मोदी जी, सोनिया जी, आपके ढाबे पर पहली बार आए खाना खाने के लिए हम, लेकिन आपने थाली लगाने में बहुत टाइम लगा दिया। आपके इस बांस ढाबे का दूर दूर तक नाम हो गया है। मोदी जी, आपने, राहुल ने और सोनिया जी ने पार्टनरशिप में ये ढाबा खोला है। वैसे इस बांस ढाबे को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा, जंगल से ये बांस ले आए होगे तुम। अखिलेश, इस बांस ढाबे को बनाने में बहुत वक्त लग गया और तुम कह रहे हो कि ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा। ये कोई बांस हम कोई जंगल से थोड़ी लाए, शहर से खरीद कर लाए ये बांस। और रही बात थाली देर से लाने की, देखो अखिलेश, हम अपने इस ढाबे का नाम दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा खाना देते हैं कि आदमी एक बार खाए तो 10 बार आए हमारे ढाबे पर। इसीलिए खाना परोसने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब तुम थाली में देखो, समोसे भी हैं, मिठाई भी हैं, छोले भी हैं, दही भी हैं। हाँ मोदी जी, वैसे तो थाली में तुम्हारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारे पकवान है, बस गरम गरम रोटी तंदूर से निकलवा के ले आओ। अभी लाते हैं गरम रोटी। राहुल देखो, तंदूर पर गरम गरम रोटी ही बना रहा है। अरे मोदी जी, मैंने तंदूर से 3-4 रोटी निकाल कर रख तो दी गरम गरम, यही ले जाओ अखिलेश को दे दो। मोदी जी ये कड़ी और ले जाओ अखिलेश और डिम्पल के लिए, कड़ी रह गई थी थाली में। उसके बाद जब अखिलेश रोटी खा ले तो ये चावल ले जाना। नहीं सोनिया जी, चावल की अभी कोई जरूरत नहीं है, पहले रोटी तो खा ले। और वैसे भी मैं तो रोटी रोटी खाता हूँ, ये डिम्पल जरूर बात को थोड़े चावल खाती है। वैसे मोदी जी, आपने बताया नहीं इस ढाबे में आप तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप है। नहीं अखिलेश, तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप नहीं है। इस ढाबे में 50% का मालिक मैं हूँ और बाकी 50% में सोनिया जी और राहुल मालिक हैं। यानी कि आधा मालिक मैं हूँ, आधे में सोनिया जी और राहुल हैं। लेकिन मोदी जी, आप एक बात बताओ, आपने ये बांस से ढाबा क्यों बनाया? अरे डिम्पल, तुम्हें क्या लेना देना मोदी जी ने बांस से ढाबा बनाया या ईंट से ढाबा बनाया, तुम्हें खाने से मतलब है, खाना खाओ। वैसे मोदी जी, आपकी एक थाली का रेट क्या है? थाली का रेट अखिलेश सोनिया जी बताएंगी, मेरा तो काम खाना परोसने का है और रोटी बनाने का काम राहुल का है। भाई मेरे हिसाब से 5,000 रुपए की एक थाली का रेट है। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो, 5,000 का तो ये तुम्हारा ढाबा ही होगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।